What is up again, gang? And the train is back again. That's how we go. And we are back with more सीधे मौत. Because सीधे मौत के जो fans हैं, वो मेरी मौत का कारण बन जाएंगे. I'm pretty much sure about it because I know it's been some time that we've reacted to सीधे मौत. But ठीक है यार. I think सीधे मौत का एक track अगर आप react कर दो उस पे, उसको सुन लो, तो आई थिंक यू नीड अ ब्रेक फॉर अ मंथ टू एक्चुअली टेक दैट ट्रैक इन. वो इतनी बातें एक गाने में बोल देते हैं अपनी. सो ठीक है, उनके हमने कुछ कुछ गानों पे किया ऑलरेडी. वी हैव डन 101, वी हैव डन MMM, मूमिया मिट्ठू याद एज वेल, वी हैव डन क्यों एज वेल, क्यों हाँ. एंड नाउ द नेक्स्ट वन ऑन द लिस्ट इज गोना बी पंक, एंड दिस इज फीचरिंग सम अदर आर्टिस्ट एज वेल. आई थिंक प्रोडक्शन बाय सेज एंड another artist is there called Bavari Basanti. Okay, never heard about this person, but let's see man what this track Punk is going to be about. Bahut logon ne bola hai ki this track is a very different teaching, very different vibe of its own, so let's just try to see man what this track has to offer. But thank you so much for all the fans who never bow down, man. You keep on badgering, and that's the reason why I have to come up with this thing, man. So thank you so much. If in case you like my reactions, please for God's sake, man, haath joda lo, lekin subscribe kar do. And now, getting in, Punk featuring Bavari Basanti, Seedhe Mohat, man, officially. Here we go. Are these two calm and Gore on the cliff? Okay, is this Bavari Basanti? I think this is Bavari Basanti. Okay, so it's about some children who are in a school trying to study with their eyes closed. Just trying to think what the meaning of this thing can be. So I think it can be on the lines wherein children are studying. मतलब education system को दिखाया गया है maybe इस track के through, maybe wherein बच्चों को पता ही नहीं है कि किस direction में पढ़ रहे हैं वो. They're just doing it for the sake of it. ठीक है, आंखों पे पट्टी है, ट्राइंग टू रीड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट द जिस्ट मेबी. हियर वी गो. उठो बनो बड़ा, पढ़ो लिखो, दिलो नाओ, बोलो जो बोले, जो ना माने बेटो बेटा लाओ ला डंडा. क्या बात है, क्या बात है, पाओ छू चलो, क्या बात है, गए का संस्कार तेरे, सीधा गलत फहमी में तू सोचे घूमे आगे पीछे, संसार तेरे पहले कहां गए, संसार तेरे, संस्कार तेरे. एंड देन ही सेज समथिंग लाइक कि घूमे गलत फहमी में, कि घूमे तेरे आसपास संसार तेरे. ओके ओके, कॉम्प्लेक्सिटी अगेन, इट्स ऑलवेज देयर इन सीधे मौत एंड काम. ओके तो बेटा लाओ ला डंडा. क्या बात है, क्या बात है, पाओ छू चलो, क्या बात है, गए का संस्कार तेरे, सीधा गलत फहमी में तू सोचे घूमे आगे पीछे, संसार तेरे पहले धन छा बेटे उन्हें घंटा खेते होती लाइट न्यूज शहर में, जब पंखा फेल है बोल धप्पा पूरे दिन घड़ी. वाओ मैन, होती लाइट न्यूज शहर में जब पंखा फेल है. अमेजिंग लिरिसिज्म यार. द बेस्ट पार्ट अबाउट सीधे मौत एंड देयर फ्लोज, राइट, स्पेशली काम का जो फ्लो होता है, एंड कोर का भी थोड़ा बहुत ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में है, बट काम इज लाइक कि कोई भी वर्ड कहीं से भी ऐड कर देते हैं बार में. एंड देन द बेस्ट पार्ट अगेन आई एम गोना से कि एक बार से दूसरे बार का ट्रांजिशन कभी पता नहीं चलता कि कब एक बार खत्म हुआ और कब दूसरा शुरू हो गया. द ट्रांजिशन इज व्हाट दीज पीपल आर अमेजिंग एट. मैन लिसन टू दिस. तेरे सीधा गलत फहमी में तू सोचे घूमे आगे पीछे, संसार तेरे पहले धन छा बेटे उन्हें घंटा खेते होती लाइट न्यूज शहर में, जब पंखा फेल है बोल धप्पा पूरे दिन घड़ी, फोन में नजर लाट साहब की लाल साबी घुम चल जग जा, टूटे दिल बजे फोन में गजल, आज रात की बात है कल जा मैं बेहस जा. टूटे दिल आज रात की बात है कल जा मैं. माय गॉड यार, सो ही जस्ट ट्राइंग टू यू नो स्पिट द रियालिटी एज टू कि बच्चे किस किन किन चीजों से गुजरते हैं, क्या क्या थॉट प्रोसेस है बच्चों की आजकल, यू नो, एंड हाउ द एजुकेशन सिस्टम इज एक्चुअली लीडिंग किड्स टू अ डायरेक्शन वेर इन देर नॉट इवन अवेयर कि वो कहाँ जा रहे हैं.
this is what I like about CJ Moss, wherein they try to link hip hop to social issues. Amazing hai yaar bande. बजे फोन में गजल आज रात की बात है कल जा मैं बे हंस जा ये धन है जड़ है मर रहे लोग हंस जा ये बहन वो बहन ने कब लगा भेजा तो हाथ ये पैर पड़े कम क्या पंखे तो पूरे फैला बस क्या हर कोई बांसुरी बजते ही बस में चले बस ना किसी का एक ही बस में हर कोई बांसुरी बजते ही बस में ओके ओके दिस लाइन कैन एक्चुअली मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल मैन आई थिंक ओके मैं थोड़ा सा वो बीम की तरफ चला गया था कि अगर आप सांपों के आगे फिर किसी प्ले द बीम राइट सो वो वश में आ जाते हैं कैन मीन वन थिंग एंड दैट्स अ फार फेच्ड थॉट फ्रॉम माय साइड कि ही इज ट्राइंग टू कंपेयर द सोसाइटी टू यू नो अ ग्रुप ऑफ स्नेक्स बांसुरी बजते ही बस में दैट कैन बी वन थिंग बट आई थिंक इस सिचुएशन में वो बच्चों की बात कर रहे हैं आई थिंक कि बांसुरी बजते ही बस में You know, when these schools start, the education system starts showing what they can offer, that's basuri, that's bait. Tab parents bus mein aa jate hain, bacche bus mein aa jate hain, and then they start going to school, and then, you know, they're not learning a lot because of how the education system is failing. So, like, a lot of stuff is hidden in the lyrics, I think. That's even more official, man. हर कोई बांसुरी बजते ही बस में चले बस ना किसी का एक ही बस में बैठे सभी बस तो में लिए टूटे सपने बचने को जगह नहीं बची तो मेरे बच्चे ढक दो ये लाशें आंसू खून ये जान है सारी शासन झूठ लो यार कम ऑन तो मेरे बच्चे ढक दो ये लाशें आंसू खून ये जान है सारी शासन झूठे बार रट दो है सारी शासन और शासन व्हाट दैट मींस शासन बेसिकली मींस गवर्नमेंट है सारी शासन झूठ झूठ ये बात रट लो आई कांट इवन से दैट शिट स्ट्रेट इट्स अ टंग ट्विस्टर राइट देयर फ्रॉम सीधे मौत मैन फक ये लाशें आंसू खून ये जान है सारी शासन झूठ ये बात रट लो उठा भरोसा साफ है सब या खाली चोंदे भार उड़ान भर लो वाह वाह आई लाइक दिस वॉइस मैन बाबरी समथिंग दैट्स ऑल मैन मेलोडी जो उन्होंने डाली है इस गाने में एंड द फैक्ट दैट दे एडेड बाबरी बसंती शी साउंड्स मेलोडियस शी साउंड्स लाइक अ क्लासिकल सिंगर एंड दैट्स द रीजन व्हाई दिस स्मॉल हुक पार्ट इज ऑल्सो हिटिंग रियली अमेजिंगली Because it sung so beautifully, man. Just listen to this. होता मुझे साली बात बढ़ जाएगी तो चुप ही रहता चुप हूँ मैं बता फिर तू क्यों है सहता घर पे सुनता स्कूल पे सुनता पता मुझे कि तू क्यों है सहता सबसे सुनता डर की सुनता पता मुझे कि तू क्यों है बहका खुद से टूचे लोग तुझे बोले सस्ता उनसे खुद पे लोड लेके भूलना रास्ता पर उनसे खुद इसे तुझसे टूचे लोग बोले तुझे सस्ता उनसे सीख के अपना रास्ता मत भूल जाना जस्ट बिकॉज दीज पीपल आर सेइंग जस्ट बिकॉज दीज पीपल हैव You know, gone ahead of you in the race and now they're calling you names. Do not forget your own path. Just because someone else has reached the success or reached success sooner than you. It's kya bola yaar? Like such amazing, you know, lessons for small kids, man. To hamare liye bhi hai in totality, man. Amazing. Tujhe log tujhe bole sasta unse khud pe load leke bhoolna rasta par तेरी पलकों पे लेटा लिखूं आधी नींद में इतना तो जायज प्यार से ज्यादा है प्यारा साधु की नियत से न्यारा एक पंछी के पंखों से हल्के से हल्का ये रिश्ता हमारा इतना फक एक पंछी के पंखों से हल्का रिश्ता हमारा माय गॉड यार सो जस्ट दिस इज व्हाट आई थिंक ही इज ट्राइंग टू You know, tell the reality about the social bonding that people have. कि इतना इतना ज़्यादा कच्चा रिश्ता है आजकल लोगों में, wherein कि छोटे-छोटे arguments पे, छोटी-छोटी चीजों पे,
इवन फैमिलीज में लड़ाइयाँ हो जाती हैं. आप फ्रेंड्स की तो बात ही छोड़ दो, यू नो, पेरेंट्स विद देयर किड्स, सिबलिंग्स विद वन अनदर. सो ही जस्ट ट्राइंग टू से कि कितना मतलब हल्का रिश्ता है हमारा. एंड यू नो डिस्पाइट कि हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए टू एक्चुअली रेक्टिफाई दैट, बच्चों के ऊपर ऑलरेडी इतना बोझ डाला जा रहा है बाहर की, अब ये कर लो वो कर लो ये कर लो वो कर लो, विच इज वॉट इज मेकिंग देम यू नो कॉम्प्लेक्स इन देयर हेड्स. एंड दैट्स द रीजन वाई इज लीडिंग टू सच फ्रैजाइल रिलेशनशिप्स दैट पीपल हैव दीज डेज. मैन अमेजिंग. सो ही इज ट्राइंग टू कनेक्ट कनेक्ट ऑल द सोशल इश्यूज विद वन अनदर मैन. सो दिस इज व्हाट अगेन सी देम व्हाट डज इट. की नियत से न्यारा एक पंछी के पंखों से हल्का ये रिश्ता हमारा. वाह. इतना सा कहना मैं चाह रहा कि अब मुझ पे नहीं है कोई चारा, मैं जी लिया काफी बेचारा सा, इंडस्ट्री देती है चारा जिसे मैं घंटा नहीं खा रहा था, क्या कहा था इनसे जब शुरू में करने था चारा, चलना है मंजिल तक मैं चलता ही जा रहा. किसी की आंखों में मैं तारा, किसी की आंखों में आवारा, बस तेरी आंखों का सहारा था. क्या लाइंस है यार ये. किसी की आंखों का मैं तारा, किसी की आंखों में आवारा, और तेरी आंखों का सहारा था. मैन कम ऑन. तुम्हें मैं तारा, किसी की आंखों में आवारा, बस तेरी आंखों का सहारा था. दिस रीमेक इज अमेजिंग. बाबरी बसंती यार सॉन्ग. उन्होंने वो पूरा स्कूल का व्यू भी कैप्चर किया. दे कैप्चर्ड सीधे मॉथ्स इमोशंस एज वेल, बोथ इन कोर एंड काम. माय हैट्स ऑफ मैन. सेज डज द जॉब एवरी टाइम फॉर दीज पीपल. सेज इज अमेजिंग मैन. सेज हैट्स ऑफ फॉर द बीट दैट ही प्रोड्यूसेस. बट सीधे मॉथ नेवर डिसअपॉइंट्स मैन. एंड बावरी बसंती, आई एक्चुअली वॉन्ट टू हियर मोर फ्रॉम दिस पर्सन एज वेल, बिकॉज हर वॉइस इज लाइक अ ड्रग इन इट्स ओन सेल्फ मैन. इट वॉज जस्ट flowing in your ears, and that's the reason why the song actually got a meaning in its own self. So thank you so much for people who suggested the song. Thank you so much for Seedhe Mouth fans. अगर उनका कोई और गाना है जो कि आप बताना चाहते हो, जो कि आप रिएक्शन जिस पे चाहते हो, please let me know in the comment section. Please you can text me as well on Instagram. But thank you so much for tuning in. It's your own channel. Please subscribe if in case you like the reactions. That's about it, man. एक second आपको लगता है. Just makes me happy as an individual. If in case I see those subscribers count rising, thank you so much, man. Signing the fuck off. We'll be back with more reaction for now. Stay home, man. Stay quarantined. Bye.